तरले डालने पड़ते हैं पेरेंट्स के आगे पीछे सबके, और फ्रेंड्स से लेने पड़ते हैं, कोई वाइफ से मांगो, किसी से पैसे मांग मूंग के अपना गुजारा करने पड़ रहा है। स्कूल में ड्यूटीज़ देने जाना है तब भी हमें 100 रुपये का हमारा किराया लग जाता है। 100 रुपया हमारा क्या है, बच्चे बुच्चे कुछ नहीं है, सारा सिस्टम ऐसे बेकार जा रहा है। घर वालों ने गलती की पढ़ा दिया हमें, 10th के बाद लगा देते कहीं मजदूर बनाते, कोई ऐसा काम टेक्निकली काम सिखाया होता हमें तो मजदूरी करते आराम से बैठते। हम देखें कि हम इसको कंटिन्यू करें सर्विस को, नहीं करें कोई और काम करें, पता तो चले हमें, हम क्योंकि हम एक लटके हुए। एक बच्चा अगर ओलंपिक में मेडल जीत के लाता है वो देश का नाम रोशन करता है, बट उसके पीछे जानने की कोशिश किसी ने नहीं की कि उसको मोटिवेट किसने किया, उसको स्पोर्ट्स लाइन में किसने लाया। अगर उनको पता चलेगा कि ये जो टीचर्स हैं हमें सिखाने वाले, हमें मोटिवेट करने वाले, खुद इनके घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है 4000 रुपये में, तो हमें क्यों जाना है स्पोर्ट्स में। ये वही रहबर एक खेल के टीचर्स हैं जो अभी तक जो अपना इंसाफ मांग रहे हैं। आपने हर बार देखा होगा कि रहबर एक खेल के टीचर्स किस तरीके से जो है एहतजाज करते हैं और उन्हें वापस सामने से जो मिलता है वो है लाठीचार्ज, हमेशा पुलिस के डंडे जो है इन्हें मिलते हैं। मुझे अफसोस है ये कहते हुए कि इस वक्त जो है इनको 100 रुपया दिहाड़ी जो है उस हिसाब से जो है सैलरी दी जा रही है, जबकि एक मजदूर है उसकी जो दिहाड़ी है वो 500 रुपया है। इस महंगाई के दौर में आज ये अपना कैसे बसर कर रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं कि क्या इनकी पूरी मजीद प्रॉब्लम है और किस तरीके से जो है अपने इंसाफ की मांग करें। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। मैं एक सवाल यहाँ पर जो है सीधा एक सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है जम्मू का दौरा कर रहे हैं, क्या लगता है आपको इस बार आपकी जो मांग है वो कहीं ना कहीं पूरी की जाएगी? देखें प्राइम मिनिस्टर साहब जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है कि बहुत बड़ी बात है, और सभी ये कह रहे हैं बीजेपी की लीडरशिप सभी, और सुनने में ये आ रहा कि कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं। हाँ सरप्राइज मिलेगा तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि हमारा भी कुछ होगा, रहबर खेल का कुछ होगा, एटलीस्ट हमें भी जस्टिस मिले, तो हम भी अपने जस्टिस का उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि अगर मोदी साहब यहाँ पे आ रहे हैं तो उनसे बड़ा और तो है नहीं कोई इस समय, वो आ रहे हैं तो अगर हमें भी हमारा भी जो है एसआर 202 में हमें मर्ज किया जाए, जो हमारी डिमांड है वो फुलफिल हो जाए हमारी। तो अभी कैसे आप अपना जो है गुजारा कर रहे हैं, अभी 100 रुपया दिहाड़ी, मेरे हिसाब से तो 100 रुपये तो आज मैं कहूँगा कि आज के दौर में कुछ भी नहीं है, उसका शायद से राशन क्या आप खाना भी नहीं घर पर जो है ला सकते हैं। सर किस तरीके से आप, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर, देखो आपको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है, दुनिया को पता है 100 रुपये में आप बताओ आप अपना घर से बाहर निकल सकते हो, नहीं निकल सकते हो ना। हमें तरले डालने पड़ते हैं पेरेंट्स के आगे पीछे सबके, और फ्रेंड्स से लेने पड़ते हैं, कोई वाइफ से मांगो, किसी से पैसे मांग मूंग के अपना गुजारा करने पड़ रहा है। स्कूल में ड्यूटीज़ देने जाना है तब भी हमें 100 रुपये का हमारा किराया लग जाता है। 100 रुपया हमारा क्या है, बच्चे बुच्चे कुछ नहीं है, सारा सिस्टम ऐसे बेकार जा रहा है। ये बता के तो मैं थक गया हुआ हूँ, ये बताने का भी कोई मतलब बनता नहीं, हर एक बंदे को पता है कि 100 रुपये के साथ किसका गुजारा हो सकता है। कितने साल से आपका ये, कितने वक्त से जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, ये कितना एहतजाज आप? अभी 3 साल हो गए हमें जॉब लगे हुए, तब से सड़कों पे ही हैं। तो नई पोस्टें यहाँ पे निकाली जा रही हैं बार बार जो है, नई नई हम पोस्टें देख रहे हैं कि ये 100 पोस्टें, 500 पोस्टें, 800 पोस्टें, तो क्या लगता है ये पोस्टें निकालने का कोई फ़ायदा है सर? पिछली ही अभी जो लोगों को परमानेंट नहीं किया जा रहा, सैलरीज नहीं दी जा रही, पोस्टें कब, हमारे डिपार्टमेंटों का पोस्ट निकली, हमारे हमने जो डिग्रीज की हैं हम कहीं और अप्लाई भी नहीं कर सकते ना, हम हमारे डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट निकली, 10 साल पहले पोस्ट निकली हुई है, 12 साल पहले, वहाँ उसके बाद कोई पोस्ट नहीं आई नहीं, हमें ऑप्शन ही कोई नहीं था, एवरेज लगना ही था हमने, कोई ऑप्शन आता पीट की पोस्ट निकलती अगर परमानेंट तो हम वहाँ लगते ना आराम से। आपने क्या डिग्री की, मैं बताने की कोशिश करूँगा कि इनकी जो डिग्री है वो क्या है, और आज जो है 100 रुपये के दिहाड़ी के हिसाब से जो है ये सैलरी ले रहे, क्या डिग्री है आपकी? मेरी MPED है, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। MPED आपकी? MPED इनकी डिग्री है और 100 रुपया ये दिहाड़ी के हिसाब से जो है सैलरी ले रहे हैं, तो आपको ये नहीं लगता है कि इससे अच्छा तो हम मजदूरी ही कर लेते? अब घर वालों ने गलती की पढ़ा दिया हमें, 10th के बाद लगा देते कहीं मजदूर बनाते, कोई ऐसा काम टेक्निकली काम सिखाया होता हमें तो मजदूरी करते आराम से बैठ के। तो आज मतलब आप अफसोस महसूस करते हैं कि मैं इस फील्ड में आया, मुझे मतलब अफसोस आप होता ही है थोड़ा बहुत, क्या करना है, अफसोस ही है, 3 साल से गुजारा तो हो नहीं रहा, अब परेशान हो चुके हैं इससे, तो इससे अच्छा यही अब हमारी जो कमेटीज़ बैठी हैं वो कुछ जो भी डिसीजन हमारे लिए किया हुआ है वो डिसीजन बाहर आए हमारा,
एटलीस्ट हम देखें कि हम इसको कंटिन्यू करें, सर्विस को नहीं करें, कोई और काम करें, पता तो चले हमें, हम क्योंकि हम एक लटके हुए हैं, हम ये सोच रहे हैं कि कमेटीज़ बैठ रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, एटलीस्ट कुछ आ जाए ना हमारे फेवर में, जहाँ कुछ जो भी निकालना है जैसा भी किया हुआ है कुछ आ जाए, फैसला दिया जाए, आप फैसला दिया जाए, हमें पता चले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फिर हम देखते हैं क्या करना है नेक्स्ट हमारा क्या है, हम रोडों पर उतरें जहाँ छोड़ें जॉब या कहीं जाएँ, कुछ ना कुछ तो हम फिर एक डिसीजन ले पाएंगे ना, डिसीजन ले पाएँ, डिसीजन बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ और भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर क्या कहेंगे कि किस तरीके से जो है ये परेशानी आप लोगों को जो देखने को मिल रही है, 3.25 साल से जो इन्होंने कहा कि आपको सैलरीज नहीं मिल रही हैं, तो किस तरीके से आप अपना घर जो है वो चला रहे? सर घर चलाने का तो बेहद मुश्किल है, मैं लेकिन इस पर नहीं कमेंट करूँगा कि घर कैसे चल रहा है और हम कैसे चला रहे हैं, बात ये है कि हम लोग क्या चाहते हैं। बिल्कुल, हम लोग एक टीचर्स हैं और हमारी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन जी, ठीक है, तो हम लोग जो है इंडिया के लिए जो बच्चे मेडल लाते हैं वो ग्रास रूट लेवल पे हम ही लोग तैयार करते हैं। एक फिजिकल टीचर, आज एक बच्चा अगर ओलंपिक में मेडल जीत के लाता है वो देश का नाम रोशन करता है, बट उसके पीछे जानने की कोशिश किसी ने नहीं की कि उसको मोटिवेट किसने किया, उसको स्पोर्ट्स लाइन में किसने लाया, उसको स्पोर्ट्स लाइन में लाने वाले थे उनके कोच, फिजिकल एजुकेशन टीचर, जिन्होंने उस बच्चे को मोटिवेशन दी। आज ये उन बच्चों के सामने हमको हैरास कर रहे हैं 4,000 रुपया सैलरी पर मंथ देके, क्योंकि अगर उनको पता चलेगा कि ये जो टीचर्स हैं हमें सिखाने वाले, हमें मोटिवेट करने वाले, खुद इनके घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है 4,000 रुपये में, तो हमें क्यों जाना है स्पोर्ट्स फील्ड में? तो फिर ये बीजेपी जो स्पोर्ट्स के प्रचार कर रही है, ये जो न्यू स्पर्धाएं ला रही है, ग्राम स्पर्धा हो गई, पॉलिसी भी एक कहा गया है कि स्पोर्ट्स पॉलिसी भी आएगी। सर वो भी है, स्पोर्ट्स पॉलिसी इन्होंने लॉन्च की है, हम उसका मोस्ट वेलकम करते हैं, JKUT एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कदम उठाए हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो ये न्यूनतम स्पर्धाएँ ला रहे हैं, लेकिन अगर एक टीचर की सैलरी आप 4,000 रखोगे तो एक जो बच्चा या फिर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को स्पोर्ट्स लाइन में क्यों डालेगा, खज्जल करने के लिए डालेगा ये बताइए मेरे को आप। मैं ये अपने प्रधानमंत्री जी से जो पल्ली पंचायत में आ रहे हैं उनका विजिट है, मैं उनसे हैंडफुल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री जी आप हमें बताएं कि हम लोग क्या करें, हम लोग अपने घर का गुजारा कैसे करें, या तो आपके जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लीडर्स हैं वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, वो आपको बताते नहीं हैं कि ज़मीन पे क्या हालात हैं। आप मिलने गए उनसे? हमने काफ़ी बार मिल चुके हैं रविंदर राणा जी, ऐसा कोई भी लीडर क्या जवाब रहता है? ये कह रहे हैं कि ठीक है आपको SRO 202 में मर्ज कर दिया जाएगा। जब लास्ट टाइम हमारे सामने उन्होंने मेल की थी लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू साहब को, तो उसके बाद उन्होंने कोई डिसीजन लेना था, उनको यहाँ से उठा लिया इन्होंने। तो हमें ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा मसला हल होना चाहिए, हमें रैबरे खेल जो टीचर्स हैं बिल्कुल एक जेनुइन है, ये पॉलिसी जो है बीजेपी और PDP की सरकार ने ही लाई है, अगर आपने ऐसी पॉलिसी लानी ही नहीं चाहिए थी, अगर हम लोग प्राइवेट जॉब करते तो हम वहाँ भी सेटिस्फाई होते, अगर हम में काबिलियत होती तो हम गवर्नमेंट जॉब लेते, बट आपकी कमी ये है कि आपने ऐसी पॉलिसी लाई जिसमें हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। आपने परमानेंट पोस्टें लानी चाहिए थी फिजिकल एजुकेशन टीचर की, जहाँ आपने 3,000 टीचर रिक्रूट किए हैं वहाँ आप 1,000 करते, जिसमें कैलिबर होता टीचर में वो परमानेंट जॉब करता, वो अभी 30,000 से 40,000 रुपया पर मंथ सैलरी लेता तो नहीं होती बिल्कुल, और ना ही लोग प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पे आते जी। ना ही ऐसा तमाशा बनता गवर्नमेंट का, ये चीज़ गवर्नमेंट को सुधारनी चाहिए। मैं आज आपके कैमरे पे ये कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट को जब भी पोस्टें लानी चाहिए परमानेंट पोस्टें लानी चाहिए, क्योंकि जिसमें कैलिबर होगा वो जॉब करेगा, जो नहीं होगा वो प्राइवेट फील्ड में जाएगा, ऐसे प्रोटेस्ट नहीं होंगे। आप क्या लगता है आपको कि अगर इस बार जो है नरेंद्र मोदी जी आएंगे और उसके बाद आपको तो मिलने नहीं दिया जाएगा, जो हमें लगता है क्योंकि उनका एक प्रोटोकॉल होता है और आप जो हैं बहुत दूर वहाँ पे उनसे बहुत दूर खड़े होंगे, तो क्या लगता है आपको अगर इस बार आपकी मांगें पूरी नहीं की गई तो क्या होगा, नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होगा? सर हम अब सोच रहे हैं कि अगर हमारा जो आने वाले दिनों में हमारे मसले का यहाँ पे हल नहीं होता है तो हम अपना रोड मैप तैयार करेंगे, इसके बाद हम प्रोटेस्ट की कॉल देंगे, बट हम प्रोटेस्ट करेंगे, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जिससे
पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हो या कुछ ऐसा हो, हमारा वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे ही टैक्स से चलती है, हमारा ही पैसा है। तो हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो JKUT एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हो या फिर हमारे, हाँ, ऐसा कोई भी वायलेंस नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा यहाँ पे आपसे रहेगा कि आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को आपके डिपार्टमेंट में भी विजिट करना चाहिए, क्योंकि अभी देखने को ये मिला है कि पिछले एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर एक स्कूल है जो उसकी तैयारियां हैं बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं, स्कूल का तो नक्शा ही बदल गया, पल्ली गांव का नक्शा ही बदल गया। तो क्या लगता है आपको, आप रिक्वेस्ट करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जो है दौरा वो आपके डिपार्टमेंट के लिए किया जाए? मैं यही करूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कभी ऐसा मौका मिले तो एक बार डिपार्टमेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में आएँ वो, और देखें आप उसी दिन हमारा ऑर्डर आएगा, उसी दिन परमानेंट का। आपको क्या लग रहा है कि जम्मू के लीडर्स आवाज़ नहीं आपकी? मैं कह रहा हूँ मोदी साहब को ना हर एक पंचायत में ना 10 को एक 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 विजिट करना चाहिए। उनके पास इतना टाइम कहाँ होगा, क्योंकि हर स्टेट के जो लीडर्स फिर उनको वैसे कुछ रखने चाहिए ना आगे, अपने लीडर्स जो जाएं उनको ये बताएं क्या हो रहा है, डेवलपमेंट करो। तो आप दोष किसको देते हैं, प्राइम मिनिस्टर को देते हैं या हमारे जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी है उसे? देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब को हमने क्या दोष देना, जहाँ अपनी JK एडमिनिस्ट्रेशन को क्या दोष देना, वो तो कर रहे हैं, लेकिन कब होगा उसी चीज़ का वेट है हमारा बस। आपकी आवाज़ नहीं पहुँचाई जा रही, हमारी आवाज़ नहीं पहुँचाई जा रही वहाँ तक। जनाब, ये था सारी यहाँ पे जानकारी रहबरे खेल टीचर्स की तरफ से कि बहुत परेशान ये लोग जो हैं इस वक्त चल के आए हैं और हमेशा से चलते आए हैं, और आगे से इन्हें जो मिलती है वो पुलिस के डंडे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 100 रुपये दिन के हिसाब से जो है ये सैलरी लेते हैं, और इनका भी कहना एक सच है कि अगर आप लोगों ने हमें परमानेंट करना चाहिए था या इसी तरीके की पोस्ट निकालनी चाहिए थी, ये टेम्प्रेरी पोस्ट निकाल के जो हैं आप मजबूर करते हैं कि लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट पे होते हैं। चाहे NHM की बात की जाए, उन्हें भी जो है कोविड में जो है उन्हें भी टेम्प्रेरी बेस पे लगाया गया, और आज देखिए वो भी आज जो है सड़कों पे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है कि इन लोगों का जो है मैटर जो है वो किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन भी जो है यहाँ पे बहुत मैटर करता है। तो तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए, आप देख रहे थे इंक्वायरी टुडे, हमें दीजिए इजाज़त, आदाब।